फजीता, ओ फजीता, किसी के हाथ ना आएगी ये फजीता। क्या हुआ तू चिल्ला रहे हो? मैं कपड़े कहाँ है मेरे, मुझे जाना है, कपड़े नहीं मिलते मुझे। अरे कपड़े मिलेंगे कहाँ से, मैंने धोए नहीं। क्यों? अरे रात मैंने एक फिल्म देखी थी। अच्छा। उसमें बता रहे थे दोनों लड़का लड़की बराबर है, दोनों का स्टेटस बराबर है, दोनों का स्थान बराबर है, समाज में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। तो मैं अकेली काम क्यों करूं? तू अपने कपड़े खुद धोएगा, मैं अपने कपड़े खुद धोऊंगी। और सुन बोए, चार बच्चे हमारे, दो के टट्टी पे साफ तू साफ करेगा, दो के टट्टी पे साफ मैं साफ करूंगी। अब लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, सारा काम लड़कियां क्यों करें, खुद कर अपने काम। चल मैं फजीता एक बात सुन ले भाई। हाँ। जब तुम लड़कियों की शादी होती है, सात फेरे होते हैं, निकाह होता है, जब तुम लड़कियां क्या वादा करती हो भाई? यही वादा करती हैं भाई, जिंदगी भर तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी हर बात मानेंगे। तो फिर शादी के बाद क्या हो जाता है? हाय हाय, तो इतने हजारों आदमी के साथ तुझसे बहस करती। तू भी तो बारात में पता नहीं किस किस को ढाला है, अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मामू को, फुफा को, चाचा को, सबको ले आया। मैं दुल्हन बनी हुई तुझसे बहस करती भी अच्छी लगती। मैंने कहा चलो भाई, पहली पहली बार दूल्हा बना, इसकी बात हर बात की हाँ में हाँ मिला दो। मैंने तेरा दिल लगने के लिए हाँ बोल दिया, तू तो सीरियस ही ले गया पगले। बस तुम लड़कियां भी बड़ी काइया होती है, जब तुम्हारा रिश्ता देखने जाओ तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल कोयल की तरह होती है। साले शादी के बाद कौन से वूफर लग जाते हैं उसमें? जो चिलगोजे रैप्टर मार के मुंडी घुमा दूंगी। देख तो रिश्ता देखने तुम लड़कों के भी तो यहाँ तक बाल होते हैं, पेट बिल्कुल अंदर होता है, शादी के बाद कैसे आड़े तिरछे हो जाते हो? हम भी तो बर्दाश्त करते हैं। चल यहाँ से, दिमाग खराब कर रही है। सुन लो बहनों, लड़का लड़कियां बराबर होते हैं, सारे न्यूज में चल रहे हैं, अखबारों में चल रहे हैं, फिल्मों में दिखा रहे हैं। जब बराबर है तो बराबरी